नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, सड़क पर चलते समय आपको कई सारे ऐसे नमूने टाइप आदमी देखने को मिल जाते होंगे जिनमें अलग ही तरह का एटीट्यूड भरा होता है। मतलब ये भाई लोग सोचेंगे कि कहीं से भी सबसे पहले मैं निकलूं, फिर चाहे उसके लिए किसी को गलत तरह से ओवरटेक करना पड़े या किसी की गाड़ी में ठोकना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही सब रीजन है जिनके चक्कर में आए दिन रोड रेजेस होते रहते हैं। और ऐसे वीडियोस हमेशा ही आप चैनल पर देखते भी होंगे। कुछ महीने पहले आपको याद होगा ऐसा ही एक रोड रेज पड़ा था, जिसमें भोकाल दिखाने के चक्कर में और जबरदस्ती ओवरटेक करके आगे जाने के चक्कर में डस्टर वाले भाइयों की पिटाई हो गई थी। आज फिर से बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक और इंसिडेंट सामने आ रहा है, जिसे तेलंगाना से डॉक्टर महीन सबाजी ने शेयर किया है। यह इंसिडेंट रिसेंटली हैदराबाद के किसी रोड पर हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियाँ स्लोली मूव हो रही थी। पीछे डैश कैम वाली कार है और आगे ये कैब वाली मारुति डिजायर चल रही है। अब कुछ दूर चलने के बाद पीछे से एक भाई आते हैं, जिनको शायद थोड़ी ज्यादा ही जल्दी होती है आगे जाने की। ये ओवरटेक करते हुए कैब और राइट साइड में खड़ी क्रेटा के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। भाई थोड़ा डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे इनकी बाइक जमीन पर लेट जाती है। अब इतनी सी चीज को जो इन्हीं की गलती से हुआ है, उससे बाइक वाले भाई का ईगो हर्ट हो गया और इन्होंने आगे जाकर डिजायर के बैक साइड में एक जोरदार हाथ मारा। अब ये हाथ इन्होंने ऐसे ही लोगों के सामने भौकाल दिखाने के चक्कर में मारा या गाड़ी रुकवाने के लिए मारा, वो तो नहीं पता, लेकिन इनकी इस हरकत से कैब ड्राइवर रुक जरूर गया और काफी गुस्से में हो गया। मतलब ये भाई इस लेवल तक गुस्सा हो गए कि इन्होंने डोर के साथ साथ डिग्गी भी ओपन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे गुस्सा होने का और डिग्गी खुलने का क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन आप यहाँ देख सकते हैं। कैब ड्राइवर ने डिग्गी के अंदर से एक लठ निकाला है और बाइक के फ्रंट में और बैक पर जोरदार हिट किया है, फिर राइडर के गाल पर खींच कर दो तमाचे भी मारे हैं। लठ निकालने के बाद और भाई का गुस्सा देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये इसी से पिटाई करने वाले थे, लेकिन इन्होंने खुद पर कंट्रोल करके सिर्फ बाइक पर ही हिट किया है। अगर गलती से एक भी लठ राइडर को पड़ जाता तो काफी चोटें आ जातीं, इसीलिए कैब ड्राइवर ने तमाचे मारे हैं। अब इसके बाद इन्होंने बाइक की चाबी निकाल ली और अपनी कार सिग्नल को क्रॉस करके आगे ले जाकर साइड में खड़ा किया है। और जैसे ही भाई ने कार रोका, फिर से डोर और डिग्गी एक साथ ओपन कर लिया और तेजी से पीछे आए हैं। अब भाई फिर से लठ निकालने वाले थे या क्या था वो तो नहीं पता, क्योंकि वीडियो यहीं तक है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे फालतू का भौकाल दिखाना कभी कभी काफी भारी पड़ सकता है। हालांकि रोड पर ऐसे वॉयलेंस करना बिल्कुल गलत है, आराम से चीजों को निपटाना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है लोग पहले से फ्रस्ट्रेट रहते हैं दूसरे चीजों को लेकर या फिर काम को लेकर, तो उस सिचुएशन में ये सब चीजें उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा दिला देती हैं। अब भाई को क्या जरूरत था ऐसे जबरदस्ती घुसने का, दूसरे लोग भी तो हैं, वो तो पीछे चल रहे हैं क्योंकि सबको पता है यहाँ निकलने की जगह नहीं है, लेकिन ये भाई खुद को अलग ही समझ रहे थे। खैर चलिए, जगह कम थी इसलिए नहीं निकल पाए और अपने गलती से इन्होंने गाड़ी गिराई है। अब इस पर ऐसे भौकाल दिखाते हुए हाथ मारने की क्या जरूरत थी। भाई ने पीला नंबर प्लेट देखा और सोचा कि इनको अभी गियर में लेते हैं, कैसे आगे नहीं निकलने दिए, लेकिन इस पीले नंबर प्लेट वाले ने भाई का गाल लाल कर दिया। खैर भाई, इस तरह की चीजों को हो सके तो थोड़ा शांति से हैंडल करिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में चीजें हाथ से निकल जाती हैं। बाकी आप सभी का इस इंसिडेंट पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।